सारा सामान जो हमें लेकर जाना है ग्वालियर हमारे चाचा ससुर के यहाँ पर, और इसमें मंगवाया हमने घी, और ये हैं सारे मिठाई के डब्बे हमारी अप्पी बाजी की तरफ से और हमारी तरफ से, सारे लोगों की तरफ से आ गए हैं फूलमाला। तो बस अभी फटाफट से इन्हें रखते हैं और शाम की चाय बनाते हैं, सबको चाय पिलाते हैं और उसके बाद रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं ग्वालियर के लिए। पजामा गीला हो गया, बर्तनों को मांझ रही हैं क्योंकि सारे इकट्ठे हो गए थे तो उन्होंने खाली वाली कर लिए हैं, क्योंकि अभी हमें रेडी भी होना है निकलने के लिए, तो पहले सारी किचन को क्लीन करेंगे और उसके बाद निकलेंगे। तो गाइज मैं बना रही हूँ शाम की चाय और फ्रूट्स कट करूंगी, तो फ्रूट में मैं कट कर रही हूँ तरबूज कट कर रही हूँ। तो बाजी हमारी चाय नहीं लेंगी, बाजी कह रही है फ्रूट्स वगैरह रखे हो तो वो कट कर दो, तो वही अभी तरबूज रखा था फ्रिज में तो वही मैं ले आई हूँ काटने के लिए। तो बस फटाफट ये थोड़ी बहुत हल्की फुल्की भूख के लिए ये थोड़ा बहुत खाना पीना चलेगा, उसके बाद हम रेडी होंगे और फिर निकलेंगे ग्वालियर के लिए। तो गाइज हम सभी लोग रेडी हुए हैं, बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं, जराफ का रेडी होना बाकी है और प्रेस करे हुए कपड़ों को प्रेस करना पड़ रहा है मुझे लास्ट टाइम जाते जाते, बस जब प्रेस करके रख देते हैं ना तो फिर भी उनपे सिल्वर टाई जाती है। सब रेडी है, बच्चे बड़े सब लोग रेडी है, बस मम्मी रेडी नहीं है क्योंकि मम्मी जा नहीं रही है। तो गाइज अभी मैं सूट पैक करने लगी हूँ जो चाचा चाची के लिए लेकर जाना है, तो ये चाचा के लिए लेकर जा रहे हैं ये वाला सूट, तो वही मैं किट में डाल रही हूँ। और हमारे यहाँ सूट के जेंट्स सूट के साथ में टॉवल दी जाती है तो वो भी मैं रख रही हूँ। तो ये कुछ इस तरह से मैंने पैक किए, किट में डाल लिया है और इसे मुझे थैले में डालना है। ये वाला सूट मेरी चाची साहब के लिए, और ये चाचा वही वाले हैं जिनके अभी हम शादी में गए थे ना, जिनके बेटे की, तो उन्हीं का आज रिटायरमेंट का प्रोग्राम है तो उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मिला करूँ भूल जाती हूँ। और ये सारे मिठाई के डब्बे भी रखना है क्योंकि बाजी अपनी ये लोग भी फूलमाला वगैरह पहनाएंगे, तो हमारे यहाँ इस तरह से पहनाए जाते हैं जब भी कोई रिटायर होता है ना, तो फूलमाला पहनाई जाती है। और बस अभी ये रख लेते हैं हम फटाफट से और निकलते हैं। ये भी तो बता दो, ग्वालियर में बड़ा कुत्ते हैं मम्मी, ये सामान चेक कर लोगा? ओए होए ओए होए, चाची दे रही हो? चाची हां ये ना मुझे भी वाला, मैंने तो क्रिकेट में डाल दिया और हां इधर काम में बता। अरे भैया ये लग रहा है, दोनों बच्चे ये लग रहा है, रूहानी भी ये लग रही है। अरे भैया ये समय हुआ तो हमारी हल्दी में जा रही हैं, हम लोग अलग जा रहे हैं और ये अलग जा रही हैं हल्दी प्रोग्राम में, शादी में नहीं जा पाए ना इसलिए हम जा रहे हैं। अच्छा शादी होने के बाद हल्दी में जा रहे हैं, वाह 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 वाह, चलो चलो मम्मी। ये हमारे लाला भाई, हमारी उज्मा भी रेडी हो गई हैं और रुहान को ले लिया है, और ये हमारी उज्मा का फाइनल लुक। बस गाइज हम लोग निकल रहे हैं और ये हमारी प्रिंसेस अदीबा, अदीबा दिखाओ, ये हमारी अदीबा का ड्रेस, हाँ जो समिया खाला ने दिया था, बहुत प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। चलो चलो चलो, ये अप्पी का सूट वही वाला है जो मैंने रेडी किया है ना अप्पी, एक नंबर सिला है। तो बस फाइनली हम सभी लोग रेडी हो चुके हैं और निकल रहे हैं ग्वालियर के लिए। तो गाइज़ एक कमेंट आया था मुझे पाकिस्तान से हमारी मेरी बड़ी सास के लिए कि आप जाएं और उनका अच्छे से वीडियो बनाएं और वो हमारे साथ शेयर करें क्योंकि उन्हें देखना है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर इस वीडियो के बाद में उनका वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी आपके साथ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। तो बस फ़िलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं ग्वालियर के लिए और मुझे जितने भी कमेंट आते हैं उन सभी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और एक कमेंट मुझे आया था कि इतने दिन से आप कहाँ थी, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी अगर आपने ऑल का बटन सेलेक्ट नहीं किया है तो उसे क्लिक करें जिससे मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आप मेरे सारे व्लॉग देख पाएँ क्योंकि मैं वीडियो कंटिन्यू डालती हूँ एक दिन छोड़कर। अरे रुहान भाई, रुहान भाई हम सब निकल आए हैं, हमारी बाजी अप्पी अजीम रेहान फरान घूमने के लिए जा रहे हैं। ये और ये मैं
तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं ग्वालियर और ये है सागरताल। तो हम लोग काफ़ी टाइम बाद ग्वालियर आए हैं ना, तो सागरताल हमें बहुत ही ज़्यादा चेंज लग रहा है। देखें आप लोग भी जो भी ग्वालियर में रहते हैं तो उन्हें पता लग ही जाएगा कि हाँ वाकई बहुत चेंज है। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है और घूमने बनाया जा रहा है सागरताल को, और सागरताल का जो पानी है ना उसे भी खाली किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर चल रही है पार्टी, तो बस बहुत अच्छा लग रहा था। तो हबी जी बता रहे थे कि सागरताल बहुत चेंज हो गया है, तो मैंने बोला कि हाँ उस साइड में ले लो, हम लोग देख लेंगे। तो बस देखने की वजह से हम इस साइड आ गए थे और अभी हम लोग आ चुके हैं भोड़ापुर अपनी चाची सास के यहाँ पर। तो बस हबी जी ने लगा दी है गाड़ी और हम सब लोग उतरने लगे हैं, ननद भाभी। तो बस यहाँ पर फरहान ने निकाल लिया है वो सारा सामान जो हम लोग लेकर आए हैं चाचा चाची के लिए, और ये हमारा शहजादा मेरी गोद से चला गया अपनी मम्मा की गोद में, और हमारी बाजी ने ले लिया है रूहान को। तो बस अभी हम तीनों ननद भाभी जा रहे हैं चाची के पास, चाची से मिलेंगे और जो भी कुछ सामान लाए हैं वो सारा सामान उन्हें देंगे और फूल माला वगैरह भी पहना देंगे। तो बस अभी हबी जी नहीं आए हैं, वो गाड़ी को पार्क करने लगे हैं, और ये हैं मेरे चाचा ससुर जो सामने खड़े हैं, और चाची सास हैं जो बाजी से मिल रही हैं गले, और देखें देखते ही कितनी ज़्यादा खुश हो गई हैं। तो चाची जो है ना वो बहुत अच्छी हैं, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। तो बस अभी हम यहाँ पर प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आ गए हैं, तो बस यहाँ पर बारी बारी से हम तीनों ननद भाभी पहना देंगे फूल माला। तो पहले हम अपनी बाजी से पहनवाएंगे क्योंकि हमारी बाजी हैं हमारी घर की बड़ी बेटी, तो बड़ी बेटी का पहले पहनाना बनता है। तो बस यहाँ पर मैं निकालने लगी हूँ फूल माला, तो बाजी ने यहाँ पर चाचा को पहना दिया है हारफूल। हारफूल भी बोलते हैं और फूल माला भी बोलते हैं, पर मुझे हारफूल बोलना अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं फूल माला बोलती हूँ। तो बस अभी बाजी यहाँ पर चाचा को मिठाई खिला रही हैं, तो चाचा ने बोला बस थोड़ा सा खाना है, तो बस थोड़ा सा चाचा ने अपने हाथ से ले लिया है। और यहाँ साइड पर चाची बैठी हैं, तो सभी बड़े लोग बैठे थे इसलिए चाची चाचा के पास नहीं बैठी हैं, तो वो कह रही थी कि बेटा मुझे यहीं पर पहना दो, तो बस हम यहीं पर पहना रहे हैं। तो पहले हमारी बाजी ने पहनाया है और फिर हमारी अप्पी पहनाएंगी और मैं। तो बस यहाँ पर फ़ोटो क्लिक हो रहे हैं हमारे, तो इस साइड पर इसलिए हम लोग देख रहे थे। और यहाँ पर अभी हमारी अप्पी आ गई हैं फूल माला पहनाने के लिए चाचा को, तो ये हमारी अदीवा है। अदीवा कह रही है मुझे भी पहनाना है, मुझे भी पहनाना है। तो वही अप्पी कह रही थी कि रुको अभी पहनाना, तो देखें अभी उसने उठा भी लिया है। और अदीवा की तो बहुत ज़्यादा शरारतें चलती हैं। तो यहाँ पर मैं अप्पी को बोल रही हूँ कि अप्पी चाचा के लिए जो सूट वगैरह लेकर आए हैं वो तुम दे दो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और मैं कभी भी मेरे ससुर जो होते हैं ना, चाचा ससुर हों या बड़े पापा ससुर हों, तो मैं उनके सामने नहीं आती हूँ, बहुत कमी से आती हूँ, और मैं पर्दा करती हूँ, वो तो आप देख ही रहे हैं मैं क्या करती हूँ। हमारे यहाँ पर्दा चलता है तो हम लोग करते हैं, और हमारी उज़्मा भी काफ़ी ज़्यादा पर्दा करती हैं, वो तो आपने देखा ही है। तो बस यहाँ पर अभी मैं चाची को पहना दिया है फूल माला और अप्पी खिला रही हैं मिठाई। तो इस तरह से हम ननद भाभी ने चाचा चाची को दे दिया है जो भी कुछ हम लाए थे वो, और मैंने चाची को सूट दे दिया है यहाँ पर, और हमारी उज़्मा भी खड़ी हैं। तो बस चाची ने ले लिया और ये सारा सामान इकट्ठा करके हमने दे दिया है हमारी चाची की बेटी को, मतलब कि मेरी ननद को। ननद लगती है मेरी, और जो चाची के पीछे खड़ी हैं वो चाची की छोटी वाली बेटी हैं। तो बस यहाँ पर चाची अभी हमें अंदर लेकर आ गई हैं कि बेटा अंदर चलो, अंदर बैठ जाना। तो अभी हम लोग अंदर आ गए हैं। यहाँ पर लग चुकी है हमारे आज के खाने की प्लेट, और खाना जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब था। तो बस अभी हम तीनों ननद भाभी बैठ चुके हैं और ये हमारी अनिया बाजी जैद बाबू को लेने आ गई हैं, तो लेकर जा रही हैं। और वो बोल रही थी कि तुम लोग अच्छे से खाना खा लो, ये परेशान करेगा, लेकिन ये रोने लग गया, तो अनिया बाजी से वापस से वहीं पर बिठा दिया जहाँ से उठाया था। और यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं, तो खाने में गुलाब जामुन और मिक्स वेज था, और मटर पनीर की सब्ज़ी और जीरा राइस, तो ये सारा खाना था, और पूड़ियाँ थी दोनों दो तरीके की। तो बस यहाँ पर ये मेरे देवरसा हैं चाची के बेटे जो हमें खाना लगा रहे हैं, ये चाची के बीच वाले बेटे हैं। और अभी हम आए हमारी अनियावादी के यहाँ पर, अनियावादी के घर पर।
तो बस अभी अनियाबाजी से मिलकर उनके घर से निकल रहे हैं, हम हमारे घर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो अनियाबाजी और नंदेव साह हमें छोड़ने आ रहे हैं। तो अनियाबाजी के जो हस्बैंड है ना, वो मेरे मामू के बेटे भी हैं और मेरे नंदेव भी हैं। तो मैं लेकिन अब यहाँ का रिश्ता निभाती हूँ उनसे, भाई वाला रिश्ता तो गया आया, लेकिन अब यहाँ आ गए हैं ससुराल में, तो ससुराल वाला रिश्ता पहले हो जाता है, तो बस वही मैं निभा रही हूँ अभी उनसे। तो अनियाबाजी के जो हस्बैंड हैं वो मेरे भाई कैसे लगते हैं बताती हूँ। मेरी जो चाची है ना, उनके भाई के बेटे हैं, मतलब कि मेरे मामू के, इसलिए वो मेरे भाई लगते हैं। तो बस फिलहाल अभी हम घर के लिए रवाना हो गए हैं और पहुँच चुके हैं हम मुरैना। तो बस अभी चलते हैं अंदर, फाइनली आ गए हैं। बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिलकर। ये आ गए, ये हमारे डॉट डॉट डॉट, ये हमारा। गाइस घर आते आते हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, करीब 12:30 का टाइम है। तो अभी अंदर चलते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस लौट आए हैं हम लोग रिटायरमेंट के प्रोग्राम से, अपने चाचा चाची के यहाँ से। तो प्रोग्राम बहुत अच्छा था, सभी से मिले बहुत अच्छा लगा। और हम अपनी ननद साह के यहाँ भी गए थे, मेरी चाची सास की बेटी हैं अनियाबाजी, उनके यहाँ भी गए थे हम लोग, उनके यहाँ भी बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी टाइम बाद गई थी मैं, बहुत साल पहले गई थी और अब गई थी वहाँ पर, जाना ही नहीं हो पाता है। ग्वालियर जाते भी है ना, तब भी वहाँ जाना नहीं हो पाता क्योंकि जल्दबाजी में जाते हैं। और आप लोगों को पता ही है हम लोग क्या थोड़ा सा लेट ही हो जाते हैं घर से निकलने में, तो फिर जल्दबाजी में जाते हैं, जल्दबाजी में लौट आते हैं, इसलिए किसी के घर नहीं जा पाते हैं। तो फिलहाल अभी खूब इंजॉय किया हम ननद भाभी ने और हमारी उज़्मा ने, और हमारे बच्चों की तो चे चे पे जाते में भी और आते में भी, दोनों बच्चे ऐसा लग रहा था क्यों भी जैसे जुगल भाई जैसे ऐसा लग रहा था रेहान फरहान का बचपन वापस आ गया, जैसे रेहान फरहान एक चुप होता था एक रोता था ना, वो चीज़ लग रही है। हमारे जैद बाबू भी वो रोना शुरू करते तो रूहान चुप हो जाता, और रूहान रोना शुरू करता तो जैद चुप हो जाता, ऐसे चल रहा था दोनों का। तो बस फिलहाल आ गए हैं और चाची चाचा के यहाँ पर खाने का प्रोग्राम जो था उनका बहुत अच्छा था, खाना जो था वो बहुत टेस्टी बना था, हम लोगों ने खूब दबा के खाया क्योंकि लगाई थी बहुत ज़ोरों की भूख हम ननद भाभी को, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए थे। चाची अंदर ले गई थी, फिर चाची से बात बात करने लगे और सभी रिलेटिव से मिले हैं, तो बस ऐसे करके लेट हो गए, तो इसलिए हम लोगों ने खाना थोड़ा सा लेट खाया। और हमारी अदीबा को भी बड़ी ज़ोरों की भूख लग रही थी, अदीबा हमारी बार कई बार कह भी रही थी कि भूख लगाइए भूख लगाइए, लेकिन बातों में मगन हो गए थे। खैर कोई नहीं, चाची के यहाँ पर बहुत अच्छा लगा है और उन्होंने हमें कुछ रुपए भी दिए आते टाइम, वो चीज़ हम शूट नहीं कर पाए। खैर कोई नहीं, तो फिलहाल बस गाइज आप लोगों से ले लेते हैं विदाई। ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वही लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, जल्द लौट कर आऊँगी इसी तरह से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जो भी मेरे व्लॉग में पसंद आए कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।